अडानी मुद्दे पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, ट्विटर पर वीडियो शेयर कर लिखा मित्र सेवा परमो धर्म। दिल्ली में आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात, विपक्षी एकता पर होगी चर्चा। सोलहवीं कर्नाटक विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू, 3 दिवसीय सत्र के दौरान 224 नव निर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। ब्रिजभूषण के नार्को टेस्ट के जवाब में पहलवानों का पलटवार, बोले सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो नार्को टेस्ट, बजरंग पुनिया बोले पूरा देश देखे लाइव। सत्यपाल मलिक ने 2024 में देश के लोगों से की पीएम मोदी के खिलाफ वोटिंग की अपील, कहा अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया तो ये डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा। शिक्षक भर्ती घोटाला में सीबीआई पूछताछ से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी, 26 मई को होगी सुनवाई। कश्मीर में G20 मीटिंग आज से, भारत ने कहा टूरिज्म वर्किंग ग्रुप देखेगा धरती पर स्वर्ग कैसा होता है, चीन नहीं लेगा हिस्सा। शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन की बिगड़ी तबीयत, सफदरजंग हॉस्पिटल में किया भर्ती, केजरीवाल बोले बीजेपी सत्येंद्र जैन की जान लेना चाहती है। यूपी के बलिया में गंगा नदी में नाव पलटी, 4 लोगों की गई जान, कई लोग अब भी लापता, राहत कार्य जारी। राजस्थान सरकार की बड़ी कार्रवाई, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर निलंबित, एसीबी के छापे में मिले थे 2.3 करोड़। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के बाद 2 दिन की यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से करेंगे मुलाकात। फिजी पलाउ ने मोदी को अपने देश के सर्वोच्च अवार्ड से किया सम्मानित, पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने भी छुए थे पीएम मोदी के पैर। सेंट्रल अमेरिका के अल सल्वाडोर में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़, 12 लोगों की गई जान, 90 लोग हुए घायल। चीन ने जापान के राजदूत को भेजा समन, G7 समिट में चीन से संबंधित मुद्दों को उठाने पर जताया ऐतराज। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप के झटके, 5.5 मापी गई तीव्रता, जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। आरबीआई गवर्नर बोले नोट बदलने के लिए भीड़ ना लगाएं, लोगों के पास 4 महीने का है समय, कल से बैंकों में बदले जाएंगे 2000 के नोट। रेल यात्रियों को होगी परेशानी, हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस रद्द, तूफान में क्षतिग्रस्त होने के बाद आज रद्द की गई ट्रेन। गेंदबाज राशिद खान ने बल्लेबाज शुभमन गिल पर दिया बड़ा बयान, कहा उसे भरोसा है कि वो 50 से 60 रनों को शतक में बदल सकता है। फिल्म विजय 69 की शूटिंग के दौरान घायल हुए अनुपम खेर, बोले कंधे में आई है चोट। फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन में जुटे सारा विकी, राजस्थान के एक परिवार के साथ उठाया खाने का जायका।